मनीष सिसोदिया जी को 7 बजे CBI दफ्तर बुलाकर धोखे से गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। कल दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। कल CBI ने उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, तो वहीं क्या कुछ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, पहले आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। देखिए, कल शाम में 7 बजे CBI पूछताछ के नाम पर मनीष सिसोदिया जी को 7 बजे CBI दफ्तर बुलाकर धोखे से गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब आपके पास सबूत नहीं है तो आप एक मुख्यमंत्री को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? ये आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबराकर चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए ये PM मोदी की साजिश है। जैसा कि आप जानते हैं, अरविंद मनीष सिसोदिया देश ही नहीं विश्व के सबसे शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने गरीबों को शिक्षित करने के लिए, देश में बदलाव के लिए शिक्षा का अभियान चला रखा है, उसको ये गिरफ्तार करते हैं। और अडानी जो देश का बैंक का LIC का पैसा बटोर का फरार हो गया, उसके खिलाफ ये JPC जांच की भी अनुमति नहीं देते हैं। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं। अगर 24 घंटे में इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सारे लोग पूरे देश में जयप्रकाश नारायण का जिस तरह से दमन किया गया था इंदिरा गांधी के आपातकाल में, वैसी ही क्रांति अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरे देश में चलेगी और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और यह गलती PM मोदी की, यह गलती मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी PM मोदी के ताबूत में, भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में अंतिम खेल साबित होगी। मनोज कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी बिहार। CBI ने गिरफ्तार कर लिया है मनीष सिसोदिया को। गिरफ्तारी के बाद आपके कार्यकर्ता और नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है और पूरे देश में आम आदमी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज राजधानी पटना के BJP प्रदेश कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। हालांकि पुलिस ने उन्हें BJP कार्यालय का घेराव करने से रोक दिया है, लेकिन फिर भी वो जमकर नारेबाजी करने में लगे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बिल्कुल नाजायज गिरफ्तारी है और 24 घंटे के भीतर उन्हें रिहा कर दिया जाए। झूठा आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी को चैलेंज करने के लिए, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। और अगर आने वाले 24 घंटे में उनकी रिहा ही नहीं हुई तो बिहार के हर गांव के प्रखंड के साथ साथ पूरे देश में आंदोलन चलेगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लगातार आपके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो उसके बाद ये बिहार के हर गांव के प्रखंड में प्रदर्शन जो है और भी ज्यादा तेजी से किया जाएगा। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।